एवरीवन। तो ये ब्लॉग है हमारा इंदौर से लेके मथुरा वृंदावन तक के लिए। मथुरा जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि है। आज अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं इंदौर से और देवास तक हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे मथुरा वृंदावन के। उठ चुके हैं गाइस हम लोग। ये व्लॉग ये आज मैं व्लॉग इसका कर रहा हूँ और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 7:30। तो यहाँ से हम लोग चल दिए श्री बांके बिहारी जी की मंदिर की ओर। हम लोग रात में ही मथुरा से वृंदावन आ गए थे। कुछ 16 से 17 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने ट्रैवल किया। फिर सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। वैसे वैसे आगे ब्लॉग कंटिन्यू होगा। तो सबसे पहले इन पतली पतली गलियों से होते हुए हम लोग पहुंचे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन के लिए संसार भर से लोग मंदिर में आते हैं। और इस समय भी जब हम लोग गए थे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के बारे में आप लोगों को एक बात जान लेना चाहिए कि श्री राधा वल्लभ लाल जी के दो मंदिर है, जिसमें कि एक प्राचीन मंदिर है और दूसरा वाला नया मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम लोग बढ़े नए मंदिर की ओर। और जो नया वाला मंदिर था उसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया गया था, जिसको आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो इन्हीं पतली पतली गलियों से होकर अब हम लोग निकलेंगे बाहर की ओर। और जब भी आप वृंदावन आ रहे हैं तो इस जगह को आपको नहीं छोड़ना है, जो कि है हमारा प्रेम मंदिर। एक बार मैं आपको चारों साइड से प्रेम मंदिर के दर्शन करा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप से बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। इसके बाद मैं आपको अंदर की ओर ले चलूँगा, जहाँ पर आप श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाओं के दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने चलकर श्री राधा जी और कृष्ण जी को किया प्रणाम और अब मैं ले चलता हूँ आपको अंदर, जहाँ आप कर सकते हैं श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाओं के दर्शन। इसके बाद हम लोग पहुंचे मंदिर के अंदर की ओर, जहां पे हम लोगों ने देखा कि मंदिर के खंभे और दीवारों पे कितने सुंदर प्रकार से नक्काशी की गई थी और कितना सुंदर हमारे मंदिर को बाहर और भीतर से बनाया गया था। आप भी मंदिर को पूरे तरीके से इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं आगे आप लोगों को श्री कृष्ण जी की अलग अलग मूर्तियाँ जो कि इस मंदिर में स्थापित की गई थी, उनके भी दर्शन कराऊँगा। Oh, 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 oh
देश के। हाँ तो गाइस अभी हम लोग आए हैं राधा वल्लभ मंदिर से माँ कृष्णा जी की पोशाक लेने। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस प्रेम मंदिर कृष्णा जी की पूरी पोशाक लेने के बाद। और ये मामा जी हमारे हम लोग आ चुके हैं 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर, पर गाड़ियाँ अभी भी जाम लगा हुआ है यहाँ पे। और वीकेंड पर तो बिल्कुल टहल ना करें। चलिए शुरू करते हैं डे 3 2 और आज हम कहाँ जा रहे हैं? निधिवन। तो वेलकम टू आवर चैनल गाइस, आज हमको डे 2 है, निधिवन जा रहे हैं हम लोग। और अभी ये जो रास्ता है केलीकुंज से ऑटो में निकल रहे हैं हम लोग, केलीकुंज का रास्ता। यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं। ये यहाँ से देखिए आपको दिखेगा केलीकुंज का रास्ता, ये वाला है। ये यहाँ से अंदर आप जाएंगे यस। और हम तीनों ने आज येल्लो कलर का कुर्ता पहना, थोड़ा सा मेरा येल्लो नहीं है बट इनका भी नहीं है, बट फिर भी ठीक है। ये पेवर येल्लो है भाई। तो अभी हम सब लोग आ गए हैं श्री निधिवन राज जी में। और यहाँ के बारे में जो लोग भी नहीं जानते उन सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा जी आज भी रात में आते हैं और अपनी रासलीला करते हैं। यहाँ के जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं वे सभी रात में गोपियाँ बन जाते हैं और नाचने झूमने गाने लगते हैं। साथ ही में यहाँ की संध्या आरती के बाद में यहाँ पर प्रवेश निषेध हो जाता है, परंतु बहुत सारे ऐसे भक्त थे जिन्होंने श्री कृष्ण जी की मुरली की आवाज़ सुनी और यहाँ पर संध्या आरती के बाद में प्रवेश करने की कोशिश करी। जब उन्होंने प्रवेश किया और जब उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए तो उन सभी के प्राण निकल गए और उन सभी भक्तों की यहाँ पर समाधियाँ बना दी गई हैं, जिन्हें आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस एक चीज है भाई, जो भी आए ना नदी मत करवाए, यहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुँचाए, किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश ना करें, ना पत्तियों को, ना पेड़ों को, ना मिट्टी अपने घर पे लेके जाए, अपने घर ना लेके जाए, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दें। भक्ति भाव से आए, सबसे बड़ी बात भक्ति भाव से आए, शांति से दर्शन करें, धक्का मुक्की नहीं करें, शांति से घर जाएं। और इन प्यारी सी सर्प आकृति वाले खंभों से युक्त इस मंदिर का नाम है श्री शाहजी मंदिर। और यहाँ से आप दर्शन करके यमुना जी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो यमुना जी के दर्शन और स्नान के बाद इस व्लॉग का यहाँ पर होता है अंत। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर आप लोगों को दर्शन होंगे गोकुल और मथुरा के। जिन लोगों ने भी वीडियो को आखिरी तक देखा है उन सभी का बहुत सारा धन्यवाद।